कंडीशंस आप बिग बॉस मराठी से आए हैं, और कैसा रहा वो जर्नी, क्या हुआ, क्या आपको कैसा लग रहा है अब इस समय, आप प्लीज बताना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और जर्नी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी जर्नी थी, सभी लोगों ने देखा है और सबको मज़ा भी आया है और मुझे भी काफ़ी मज़ा आया उस जर्नी में। बट अधूरी रह गई, ट्रॉफी तक पहुंच नहीं पाया हूँ। बट ठीक है, ट्रॉफी नहीं आई तो क्या हुआ, आप लोगों के दिल जीते हैं, ट्रॉफी नहीं जीती है तो क्या हुआ, आप लोगों के दिलों में जगह जीती है तो वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ के लिए लोग जाते हैं। लोगों ने कहा है कि विनर्स याद नहीं रहते बट कंटेस्टेंट याद रह जाते हैं, तो वही यादें आप लोगों के दिल में बनाई है तो बहुत खुशी होती है उस चीज़ की। मैं पूछना चाहूँगा कि जब सब लोग जो आपको एक प्लेटफॉर्म से फॉलो करते हुए एक रियलिटी शो के अंदर आपको देख रहे थे, तो उन्होंने आपको काफ़ी प्यार दिया, और उसके बाद जब आप उस घर में थे तो आप कैसा फील कर रहे थे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या है, क्या इरादा है वो सब? बिग बॉस तो मेरा सपना था बिग बॉस करना, और जहाँ पे बिग बॉस का नाम आ जाता है तो वो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, चाहे वो बिग बॉस मराठी हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो। तो वहाँ पे जब मैं गया तो कुछ सोच समझ के नहीं गया था, बस यही था कि रियल अरबाज़ कैसा है, उसकी फीलिंग्स कैसी है, उसके इमोशंस कैसे है, उसका एग्रेशन कैसा है, वो रियल पर्सनालिटी कैसी है, 6.4 हाइट, इंडिया में रहकर मैंने अपने आप को कैसे मेंटेन किया, मैं कैसे अपने आप को रखता हूँ, मैं कैसे अपनी फ्रेंडशिप को बनाता हूँ, कैसे अपने प्यार को दिखाता हूँ, कैसे अपने एग्रेशन को दिखाता हूँ, वो सारी चीज़ें थी। मुझे सब दिखाना था कि अरबाज़ पर्सनालिटी कैसी है, अरबाज़ रियल में कैसा है, बस वही है। कोई भी गेम प्लान नहीं था, कोई भी स्ट्रैटेजीज़ नहीं थी, बट अंदर जाके बस जैसा रियल हूँ वैसा दिखाया हूँ अपने आप को। और एज अ रियल अरबाज, जब कुछ लोगों ने अरबाज को कुछ परेशान करने की या फिर उनके रास्ते में आने की कोशिश करी, तो लोगों को काफ़ी प्यार दिखाते हुए आपने उस चीज़ का जवाब दिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग आए थे या कुछ लोग आके भी चले गए पहले, चलो ठीक है ये जर्नी तो अलग, ये जर्नी में भी आ रहे लोग, बट इससे पहले भी काफ़ी लोग आके गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है या उनकी चीज़ें हैं जो कि वो ऐड करना चाहते हैं साथ में, और मैं उस चीज़ों को नहीं ऐड करना चाहता हूँ, ना इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ, फोकस करना चाहता हूँ अपनी पर्सनालिटी पे, अपने आप पर, और आप लोगों को खुश करने में कि मैं आप लोगों को कितना खुश रख सकता हूँ और कितनी आप लोगों के दिलों में जगह बना सकता हूँ, बस अभी वही मेरे लिए इम्पोर्टेंस है। और लोगों के दिलों में जगह के साथ साथ जिनके साथ अभी आपका नाम जुड़ा जा रहा है, जिसके कंपैरिजन हो रहे हैं कि लोगों को आपकी जोड़ी काफ़ी पसंद आ रही है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो वही चीज़ होती है कि आप जगह दे रहे हो दिल में और आप उस चीज़ को या उस जोड़ी को पसंद कर रहे हो, तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कोई है नहीं, कोई कि हमारी जोड़ी या हमारा बॉन्ड या हमारी दोस्ती आप लोगों को अच्छी लग रही है और वो देख कर आप खुश हो रहे हो, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपकी खुशी के लिए ही हम जो भी कर रहे हैं, तो आप खुश हो हमको देख के और हम हमारी खुशियों में भी आपकी खुशी ढूंढ रहे हैं, तो बस वही चीज़ है मुझे करनी है आगे भी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फिक्सविला, देन बिग बॉस, आपने सोचा था कि आप एक जर्नी शुरू करेंगे जो आपको ऐसे मुकाम पे लेकर आएगी कि जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों का प्यार मिलेगा, इनके जज्बातों को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा और उनको दिखाना पड़ेगा कि ये मैं हूँ आपके पास? सोचा तो कभी नहीं था, ना कभी मैं चीज़ें सोच के करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ उस चीज़ को, उस मोमेंट को, उस वक्त को इन्जॉय करना चाहता हूँ। अगर उस चीज़ को मैं इन्जॉय करूँगा तो आप मेरे साथ इन्जॉय करोगे, और उस चीज़ को अगर मैं इन्जॉय नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग भी कैसे इन्जॉय करोगे। तो वही चीज़ सोचता हूँ कि मैं उसको कितनी खूबसूरत बना सकता हूँ या उसको कितनी खूबसूरत आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ या दिखा सकता हूँ, बस वही हमेशा मेरी चीज़ें रहती है कि मैं वक्त के साथ चलता हूँ। और जो लोग जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हैं, जिनके साथ आपने एक बॉन्ड बनाया, थोड़ी सी नोक झोंक, थोड़ा सा प्यार, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहो और बहुत तरक्की करो, आगे बढ़ो, और कहीं भी किसी भी जगह पे या मेरी ज़रूरत पड़े या कुछ भी हो तो मैं हमेशा वहाँ पे आपका साथ दूंगा और हमेशा आपके लिए रहूँगा। और अरबाज, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, जो इंडिया ने रियल अरबाज देखा
उसके प्यार दिखा, उसके जज्बात देखे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उसका एक एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन बिलीव, एक वो भी देखा। जो लोग इसके एटीट्यूड के बीच में आए उन लोगों को भी आपने एक जवाब दिया, उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ें जो है मैंने बिग बॉस के घर में आपके सामने खोल के रखी थी, चाहे मेरा एग्रेशन हो या इमोशंस हो या प्यार करने का तरीका हो, दोस्ती निभाने की चीज़ें हो, तो मैं अगर किसी के लिए कुछ करता हूँ तो मैं बहुत लेवल पे जाके उस चीज़ के लिए, उन लोगों के लिए या जो भी मैं कर रहा हूँ वो चीज़ में मैं सोचता नहीं हूँ कि मुझे लोग गंदा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, मैं नहीं सोचता हूँ। मैं मेरे लोगों के लिए, मेरे में ताकत है तो मैं मेरे लोगों के लिए हमेशा करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। कैसे स्प्लिट्सविला आपकी पर्सनालिटी को हेल्प करता है डेवलप होने के लिए? आप एक ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे आप कुछ फेक नहीं कर सकते, आप रियल ही रहेंगे, और उसके साथ साथ स्प्लिट्सविला के उसके बाद बिग बॉस, एक ऐसा शो जहाँ पे पूरे भारत की जनता, खासकर से जिस शहर से आप हैं वहाँ की जनता आपको देखती है, तो कैसा डेवलपमेंट होता है? कुछ लगता है कोई चीज़ रोकती है या फिर और ज़्यादा आगे बढ़ के लोगों को खुश करने का दिल होता है महसूस? जितनी भी चीज़ें मुझे रोकने की कोशिश की है या जो भी चीज़ें मेरे सामने आती है जहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे मैं रुक सकता हूँ या ये चीज़ें मुझे रोक रही है या मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इन चीज़ों से, तो उस चीज़ों से मैं दूर होना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ चीज़ों से नवाजा है, बहुत कुछ चीज़ें मुझे दी है, और जो भी उसने दिया है तो मैं वो हर लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ और लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो अगर कोई रोक सकता है अरबाज़ को तो वो अरबाज़ खुद है, और अरबाज़ नहीं चाहता है कि अभी अपने आप को रोके, अरबाज़ के पास जितना है उतना अरबाज़ दिखाना चाहता है। और बिग बॉस मराठी में शायद मैंने जितना दिखाया है तो वो मेरा 5% था गेम को लेकर, बाकी रियल पर्सनैलिटी तो आपके सामने थी बट गेम स्ट्रैटेजीज़ को लेकर तो शायद वो 5% ही थी। अभी तो 95% आपको दिखाना है और वो दिखेगा हर जगह पे, दिखेगा हर जगह पे, आपको अरबाज़ की नई नई चीज़ें देखने मिलेगी, अरबाज़ की पर्सनालिटी देखने मिलेगी, और अपने आप को और ग्रूम करना चाहता हूँ और बढ़ाना चाहता हूँ, जिससे आज लोग मुझे देख के खुश हो रहे तो और आगे बढ़ने के बाद में और ज़्यादा लोग मुझे देख कर खुश हो। और बिग बॉस के घर में रहने के बाद काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, एक इंसान काफ़ी इमोशनल इम्बैलेंस से गुजरता है, और उस फेस में एक इंसान कैसे अपने आप को हैंडल करता है इन सारे लोगों के बीच में? उसे अपने आप को भी समेट के रखना है और जनता को भी दिखाना है, इसके बीच में जो एक जंग थी वो कैसी थी आपकी? देखो, बाहर जब हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो हम हमारे माँ बाप के पास चले जाते हैं, और इस जगह पे अगर मेरे को मेंटली लोगों ने वीक करने की कोशिश की है या मुझे बहुत चीज़ें बोलने की कोशिश की है तो उस जगह पे मैं रुका नहीं हूँ। उस जगह पे निक्की ने भी मुझे बहुत संभाला है, क्योंकि मेंटली उसने मुझे वीक होने नहीं दिया या अकेला भी मुझे होने नहीं दिया। जब मेरे घर मेरे साथ था, उसके बाद में घर पूरा अगेंस्ट हो गया था, अगेंस्ट होने के बाद भी निक्की मेरे पास थी, निक्की ने मुझे संभाला है उस जगह पे, तो मैं कभी ऐसे मेंटली कहीं तो वीक नहीं हुआ हूँ, और अभी इतने जल्दी मैं मेंटली वीक होना भी नहीं चाहता हूँ और ना मैं होऊंगा। जैसे कि मैंने बोला कि मैं खुद ही हूँ अपने आप को रोक सकता हूँ, तो मैं खुद ही शायद अपने आप को मेंटली वीक कर सकता हूँ, तो वो अभी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। सोशल मीडिया और रियलिटी शोज जहाँ पे अरबाज जाते हैं उसकी टीआरपी बढ़ जाती है, लोग उसके पास पहुंच जाते हैं, काफी ज्यादा प्यार देते हैं, क्यों? तो ऐसा आपको लगा है कि कहीं ना कहीं आप एक लकी चार्म है दुनिया के लिए कि जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे अट्रैक्शन आता ही आता है? शायद रियलिटी शोज़ में एक रियल बंदा दिखता है तभी लोग उस चीज़ को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने काफ़ी सुना है कि स्प्लिट्सविला के भी 15 साल हो गए और 15 साल में पहला सीज़न है जो इतना हाइप किया और इतनी उसकी बातें हुई है, और बिग बॉस मराठी का भी 5 सीज़न में पहला 5वां सीज़न ऐसा है जिसकी बहुत सारी बातें हुई है। तो वो देने वाला तो ऊपर वाला है, हम कोई नहीं होते हैं कि हम वहाँ पे, बस हम मेहनत करते हैं उस जगह पे जाके, और उस मेहनत में रंग लाती है वो चीज़ें, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैंने 2 शो किए और दोनों भी बहुत ज़्यादा टीआरपी लेकर आए हैं उन्होंने, तो देखते हैं ऊपर वाला और कितना देता है और हम कितनी जगह पर जाके हम आग लगाते हैं। स्प्लिट्सविला, बिग बॉस मराठी, अब जैसे आपका नाम अरबाज है तो बिग बॉस से जुड़ा नाम भाईजान, जिनके भाई भी अरबाज हैं, सबके भाई हैं, तो जी ऑलवेज नेक्स्ट फेज आफ्टर दिस इज द बिग बॉस द मेन गेम,
विद सलमान खान, बिग बॉस के देखो, लिए? बिग बॉस मराठी भी बिग बॉस ही चलाते हैं, और बिग बॉस हिंदी भी बिग बॉस ही चलाते हैं। और इधर रितेश सर ने होस्ट किया, उनका भी होस्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, और हर बार भाव के धक्के भी मेरे ही धक्के लगते थे, और अच्छा था उनका। बट अभी सलमान सर भी है, उनके सामने भी खड़ा रहना है इन फ्यूचर, और सारी चीज़ें उनकी भी होस्टिंग में, उनकी भी चीज़ें देखनी है। बट कोशिश करूँगा कि भाई मेरे पे गुस्सा ना करे बस। इधर रितेश भाव ने बहुत सारी जगहों पे हमारी और रितेश भाव की चीज़ें धक्के पे धक्के हमको लगते गए, बट चीज़ें करेंगे खुश करने की भाईजान को, और उनके साथ स्ट्रेस शेयर करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखते, आप लोग देखना पसंद करोगे तो जल्दी दिखेंगे। और एट द एंड कोई प्यार भरा मैसेज जो जनता आपको इतना सपोर्ट करती है, प्यार देती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को यही बोलूँगा कि लव यू, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही आपका सपोर्ट और आपका प्यार मेरे लिए बढ़ाते जाओ। जितना छोटी सी जगह बनी उसको और बड़ी करो, और कोई भी चीज़ की या कोई भी बात का अगर मेरे बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी मैं बोलना चाहूँगा आप सभी को। और छोटे छोटे बच्चे भी बहुत प्यार दे रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ढेर सारा प्यार। इन फ्यूचर मैं आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना पसंद करूँगा। थैंक यू सो मच यस, सर। थैंक यू सो मच।